स्कूल विभाग का घोर लापरवाही सामने यहाँ पर सामने आई है। आदर्श प्रश्न पत्र में किए गए उत्तर किताबों के उत्तर से अलग हैं, जिससे छात्रों को सही उत्तर होने के बाद भी नंबर नहीं मिल पा रहे। मामला 12वीं के हिंदी पेपर का है। उत्तर सीट में सही जवाब देने वालों को नंबर नहीं मिला है, जिससे लाखों परीक्षार्थियों के अंक प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य ओपन स्कूल सचिव वीके गोयल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। स्कूल के जो परीक्षा हुई है उसमें गंभीर लापरवाही सामने आई है, इसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक प्रश्न गलत है, जिसका उत्तर पुस्तक में गलत दिया गया है, इनके मॉडल आंसर में गलत है। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये बात पुस्तक में गलत लिखी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये पुस्तक क्वेश्चन में अगर गलत आया है या जो मासिम द्वारा बनाया गया मॉडल आंसर पेपर है उसमें अगर गलत है तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? इस मुद्दे की चर्चा के लिए हमारे साथ मासिम के सचिव वीके गोयल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रकरण नहीं है, आप जो बतला रहे हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का प्रकरण है, और इस तरह की कोई शिकायत अभी हमारे पास में आई नहीं है। और दूसरा ये बता दें कि मॉडल आंसर जो रहता है वो एक गाइडलाइन रहती है, मॉडल आंसर से ही कापी जाँचना है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है कि मॉडल आंसर एक गाइडलाइन है और उस मॉडल आंसर में कुछ गलती है तो विद्वत उस गलती को सुधार करके कापी जांचे, ये हमारे स्ट्रिक्ट निर्देश रहते हैं। और इसकी मैं अगर जो गलती आप बता रहे हैं इसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप बता रहे हैं तो इसकी मैं जांच करवाऊंगा, अगर मान लीजिए इसमें कोई दोषी है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये रिजल्ट जारी हो चुका है, प्रश्न जो है उसका रिजल्ट बन गया है, अंक सूची भी बच्चों को मिल गया है, तो इसमें जो ये अंक जो बच्चे अगर इसको पुस्तक से पढ़ के गलत लिखे हैं, क्योंकि आपके मॉडल आंसर पेपर में सही लिखा हुआ है, तो किस तरह से उनको अंक मिल सकता है, कोई चांस है अभी मिलने का? नहीं नहीं, पहली तो बात यह है कि भाई इसको निरीक्षण परीक्षण कराया जाएगा, और दूसरी चीज क्या होती है कि मॉडल आंसर जो मैं बता रहा हूँ कि मॉडल आंसर में अगर कोई मॉडल आंसर गलत बना हुआ है तो उससे विलेखन करने के लिए हम निर्देश नहीं देते हैं, हम ये देते हैं कि ये पहले दिन जब विलेखन के लिए आप टीचर्स इकट्ठे होते हैं, मूल्यांकन करता वो एक अपना इसमें मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद में मॉडल आंसर के साथ डिस्कशन करते हैं, और मॉडल आंसर में अगर कहीं कोई गलतियां हैं तो उनको ये कहा गया है कि मॉडल आंसर आपके लिए गाइडलाइन है, अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको सुधार करके आप उसका विलेखन करें। तो इस तरह एक नंबर से मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के लिए बच्चे चुके होंगे, एक नंबर से मेरिट के लिए भी चुकेंगे, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि ये मासिम उस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी और कब तक। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।